अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फ्राइडे है और आज फ्राइडे को तो हमारी वर्कशॉप बंद होती है। ऊपर से आज बारिश भी काफ़ी थी। हमारे लेंटर ने बहुत बोला कि आज छुट्टी करूँगा, पर मैं उसको भी बुलाया। अभी वो आया, कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं क्योंकि अपनी गाड़ी का उस दिन हमने खाली फ्रंट ही सेट करवाया था, बाकी काम उस तरह से बस अभी वो कपड़े चेंज करे तो बाकी काम हम शुरू करवाते हैं। बारिश तो रुक गई, बस काम शुरू करते हैं। वो कपड़े चेंज करके आए, गाड़ी को बाहर निकालते हैं, देखते हैं गाड़ी में डेंट वगैरह और किधर है। जो मेन मेन काम है वो तो मैं याद है बस, और जो छोटे मोटे काम है वो भी साथ साथ देखते जाएंगे और करते जाएंगे। उम्मीद है कि आज गाड़ी की डेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी और गाड़ी जो है पेंटर के पास चली जाएगी। ये जी हमारा काम फिर शुरू से शुरू हुआ है। फ्रंट हमारा सेट था पर हमें मज़ा नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा गैप था, गैप तो उतना नहीं था पर हमने कहा नहीं, क्यों कहा साथ जी बिल्कुल जी, हमने कहा जीरो पे एक दफा फ्रंट बैठेगा। बूढ़े लड़ रहे थे हमें गैप देख देख के, हमने बोला कि गैप ए वन होना चाहिए, ऐसे जैसे भी आया बिल्कुल। देखें जी भाई अहमद ठीक है जी, क्या कहते हैं आप ये इधर से अब गैप आ गया, वो सेट हो जाएगा इधर आ जाएगा। ये भी हम नमाज पढ़ के आए हैं, पार्टी करने लगे हैं, हमारी लेटर की फिटिंग फिर भी उधर की उधर ही है। क्या अब लोग कमेंटों में कहेंगे लेटर की फिटिंग है क्या चक्कर है, इतना औखा काम तो नहीं है ये लेटर फिट कर सकते और कोई लोगों को पता नहीं है। गाड़ी एक्सीडेंट मेन हो गई थी, बड़ा मेहनत हुई है गाड़ी पे, क्यों जी लगी उस तरह से थी लेटर की फिटिंग काले साथ में देखे जी, इसके कपड़े फट चुके हैं बिल्कुल बिल्कुल, गरीब हो गए ये, इसके अपनी रंतोबियों को जैसे ये गरीब हुआ है, ये अड़के ले तरह तैयार बने से वर्कशॉप में अपनी पलवानी का ये मुजाहरा दिखाते हैं और कुट भी खा के फिर आखिर में नाराज हो जाते हैं। ये जी मसला कश्मीर बना हुआ हमारे लिए, एक तरफ से इसका गैप खत्म करते हैं, दूसरी तरफ से गैप आ जाता है, मसले पे मसला बांध रहा हमारे लिए। पर एक दफा फ्रंट हम 0-0 पे करेंगे इंशाल्लाह, गैप खत्म करेंगे। ये जी अभी तो तकरीबन फ्रंट हमने फिट कर दी है, सब गैप ठीक है, इधर से ये भी सही बैठा हुआ है, ये ग्रिल और लाइट का लेवल भी सीधा है। इधर से जो आ रहा है ग्रिल यहाँ से ऊंची हो जाती है, लाइट मारनी नीचे हो जाती है, जबकि इस तरह गैप लाइटों का भी बराबर है, सब कुछ बराबर है। मसला है इसका क्या हाल है सर, कैसे होगा गैप्स वगैरह तो बाद में अभी हम क्लियर करते हैं। हमने कहा तब तक बम्पर तो फिट करें, ये बम्पर हम लेके आए थे, ये किसी चाचा शफीक की गाड़ी का उतरा हुआ है, चलो पट्टियाँ वगैरह उसको लगी हुई है फिलहाल अभी, तो ये बम्पर अभी हम फिट करेंगे, इसके बाद अगली फिल्म देखेंगे क्या सिस्टम है। पहले बम्पर की डायरेक्टें हम सीधी करें,
चाचा श्री की गाड़ी वाले बंपर हम कपड़े टुकने लगे हैं। ये जी चाचा श्री का बंपर हमारा थोड़ा तकरीबन फिट हो गया है, अभी बाकी इसके सेटिंग वगैरह करते हैं अभी हम, उसके बाद अगली फिल्म देखनी है आगे क्या काम है हमारी गाड़ी की। अभी तो और हमें काम नज़र आते जा रहे हैं, आगे आगे देखो, आगे आगे देखो, जानने के लिए देखते रहें। आते हैं कुछ देर के बाद जियो न्यूज़। ये जी हमारा ब्रांड बम्पर तो फिट हो गया था, फ्रंट शीशा भी मैंने उतार लिए, बाकी फ्रंट शीशे की सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, अंदर से सारी सेट करेंगे। अभी बॉनेट का सुराख बंद करने लगा हमारा। तो जी ये बॉनेट का ये भी बंद हो गया, बंपर वगैरह सब कुछ फिट हो गया, ये भी सामान हमने उतारा क्योंकि पेंट के टाइम ये भी उतरेगा, फिटिंग वगैरह हमने सेट की है, फ्रंट शीशा उतर के ये जगह जो है ये सारी साफ करके हम उसके बाद दोबारा लगाएंगे शीशा अपना। आज हमारा इतना ही काम हो सके, अभी डेंटर ने हमारे कहीं जाना था, उसने बोला बस छुट्टी थी और आज अभी छुट्टी हमने नहीं करनी है, हमने बोला चलो ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और क्या करें जी, और घंटी को निशान को दबाना मत भूलिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।